यहाँ पे आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो के हर एक वीडियो में आप लोगों को एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे लिंक में, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब कुछ नहीं है, एड ऑन जैसा वेटेज है वैसा ही जाएगा, और इस चैप्टर से नियर अबाउट हम लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए 5 क्वेश्चन। ऑर्थोलॉजी में क्या है? पूरा रट्टाफिकेशन ही है मैक्सिमम। याद रखने का कॉन्सेप्ट है कुछ निमोनिक्स में, ये बोलेंगे ये टाइप का लीफ कहाँ पे है, या तो एक नाम दे के बोलेंगे ये टाइप में उस ये मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में कौन से टाइप का अरेंजमेंट ऑफ लीफ दिखाई देता है। तो एनाटॉमी में स्पेसिफिकली ऐसा कोई सेकेंडरी बात, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनने वाले थे वो वाला पार्ट आउट है। मॉस इंस्टेड ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो वैसे वाले सेम इवन लाइक वाटर, किन के रिप्रोडक्शन में वाटर चाहिए, ब्रायोफाइट ट्रिटोफाइट दोनों ही हो। हेलो गाइज, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से विथ अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का। साइन अप जैसे कि हमेशा आप लोगों के साथ होता है, हमेशा से था है और रहेगा। आप लोगों का नीट हम लोगों का सपना है, और उसी को फुलफिल करने के लिए जितना हो सके हम लोग अपने आप अकॉर्डिंगली करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो के हर एक वीडियो में आप लोगों को एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें, उसको फॉर्मेट में गलाए। दैट एवरी वीडियोज विल बी गेटिंग ऑल सच इन्फॉर्मेशन कि उस 10 दिन में आप लोग कैसे क्या करें। 10 सीरीज का यही है और आज सेकेंड वीडियोज है। यहाँ पे आप लोगों को इवन कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे लिंक में, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ होंगे जो लिंक में दिया होगा, वो आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग आराम से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो लाइक नीचे दिए नंबर पर आप लोग कॉल बैक करके आप लोगों से मैसेज करके आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या कुछ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो। सो लाइक वहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें चैप्टर्स कौन से हैं, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आएगा, एनाटॉमी आएगा एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अभी बहुत से लोग इस बार सोच रहे कि ये इस बार तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में नए वाले बहुत से कुछ ऐड ऑन हुए, तो शायद इस बार क्वेश्चंस का वेटेज वहां से ज्यादा होगा। वैसा कुछ नहीं है, एड ऑन जैसा वेटेज है वैसा ही जाएगा, और इस चैप्टर से नियर अबाउट हम लोग को 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए 5 क्वेश्चन तो जरूर आने वाले इस चैप्टर से। तो वहां से ऐसा नहीं कि नया वाला एड ऑन हुआ है उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बाकी वाले से नहीं आएंगे, वैसा कुछ नहीं है। जैसा जिसका वेटेज है एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएंगे। सो लाइक बी स्पेसिफिक अबाउट योर वर्क, नथिंग टू वरी अबाउट इट, लाइक ऐसा वैसा कुछ होगा, एकदम प्रॉपर वे में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएंगे। वहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में क्या है, पूरा रट्टाफिकेशन ही है मैक्सिमम। याद रखने का कॉन्सेप्ट है कुछ निमोनिक्स में, आपको लिंक में दे दूंगा तो यहाँ से आप लोग पिक कर सकते हैं कौन से निमोनिक्स क्या है, लिखे हुए निमोनिक्स में डाल दूंगा। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा देखते हैं, स्पेसिफिकली फार्मूला, मतलब फार्मूला यहाँ पे हम लोग बहुत कॉन्साइजली करेंगे। फार्मूला क्वेश्चन में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत से नाम दिए होंगे, उससे बोलेंगे कि लाइक हाउ मेनी ऑफ देम कंसीडर दिस फैमिली, हाउ मेनी ऑफ देम कंसीडर दैट फैमिली, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो वाले क्वेश्चन अगर आप लोग एकदम श्योर शॉट ना हुए ना, तो उसमें आंसर मत कीजिए, क्योंकि एक में भी कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे ना, आप लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। तो वैसे वाले क्वेश्चंस को अगर और में डाल दिया जाए, मतलब ऑप्शंस में डाल दिया जाए, विल बी गुड इनफ, तो बेटर टू स्कीप दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे मेनली क्वेश्चन बनने का जोन वो है प्लेसेंटेशन, लाइक प्लेसेंटेशन के डायग्राम्स में कोई एक उठा के दे देगा, चलो बेसल वाला डायग्राम देके बोले एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे ये वाला डायग्राम किससे रिप्रेजेंट होता है। तो बेसल एक्जैक्टली हम लोग को पता है मैरीगोल्ड होता है, सनफ्लावर होता है, तो वहाँ से वैसे क्वेश्चंस लिंक हो सकते हैं। या तो वेलवेट एस्टिमेशन देके बोलेंगे ये कौन से फ्लावर के साथ ये मैच होता है, तो नीचे 4-5 फ्लावर का नाम दे देंगे। तो लाइक दैट ऐसे क्वेश्चंस इस बार डालेंगे, इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है इसको क्वेश्चन बनने के। सेम लाइक अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक स्टेटमेंट उसमें लाइक कहाँ पे फ्लावर्स पे लीफ के टाइप्स लाइक स्ट्रक्चरल कंडीशंस में दे देंगे, बोलेंगे ये टाइप का लीफ कहाँ पे है, या तो एक नाम दे के बोलेंगे ये टाइप में उस ये मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में कौन से टाइप का अरेंजमेंट ऑफ लीफ दिखाई देता है। तो घुमा के उल्टा सीधा करके क्वेश्चंस डालेंगे, और फ्लावर फॉर्मूला में मतलब स्टेटमेंट वाले ऐसे देंगे कि 4-5 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे ये स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें समझना होगा ये कौन से फैमिली का स्टेटमेंट है, मतलब कौन से फैमिली में बिलोंग करता है। तो नीचे 4 एग्जाम्पल दिए होंगे, 4 स्टेटमेंट दिए, मतलब 4 फैमिली के नाम दिए होंगे, वहाँ पे तुम्हें टिक करना पड़ेगा। तो जो एडिशनल टॉपिक है मैं ग्रुप में मतलब तुम लोग इस लिंक में यहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग पिक कर सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर चैप्टर अकॉर्डिंगली उतना कुछ खास वहाँ पे नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने हैं। फ्लावर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, फॉर्मुला बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, मतलब फैमिली कौन से फैमिली में, कुछ फ्रूट्स के नाम दिए होंगे वहाँ से पिक करना होगा, या तो एक फ्रूट नाम देखे 4 फ्रूट्स फैमिली के नाम होंगे वहाँ से पिक करना होगा, एक फैमिली देंगे 4 फ्रूट्स होगा वहाँ से पिक करना होगा, मतलब घुमा फिरा के वैसे वाले क्वेश्चन ही आएंगे वहाँ पे। अगर हम लोग जाते हैं एनाटॉमी में स्पेसिफिकली ऐसा कोई सेकेंडरी बात, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनने वाले थे वो वाला पार्ट आउट है। तो यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम से क्वेश्चन बनेंगे, वास्कुलर कैम्बियम में मतलब ओपन कॉन्जॉइन
कोलेट्रल ओपन है या क्लोज है, रेडियल है, कोसेंट्रिंग है, ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे जो एक अच्छे वाले सेगमेंट में हम लोग मानते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करोगे, अगर ज़्यादा फोकस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छे बनने के चांसेस ज़्यादा है। और इस वाले क्वेश्चन से लाइक एग्जाम्पल देंगे कि कौन जो ओपन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, लाइक दो तीन एग्जाम्पल देंगे वहाँ से पिक करना होगा, या तो क्लोज का कौन सा होगा, लाइक दैट क्वेश्चन मे आस्क। सो लाइक यू हैव टू बी वेरी मच कंसर्न अबाउट योर प्रिपरेशन, लाइक हाँ दैट यू हैव टू आंसर इट और दिस थिंग्स यू हैव टू गो फॉर इट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कुछ आएंगे जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं, मतलब ऐसे वाले बनने चाहिए क्वेश्चन। और सेम लाइक अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे और कुछ चीज़ लाइक उसमें स्पेसिफिकली डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, चार क्वेश्चंस या मोनोकॉट, मतलब यहाँ छह ही ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स सेक्शनिंग है जहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पे होते हैं, लाइक वैसे कॉन्टेंट। एक क्वेश्चन में आपको प्लांट किंगडम के टाइम पे शायद जब दिया था तब नहीं बोला था, प्लांट किंगडम कंडीशन में ये लीफी स्टेज होता है, लीफी से ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स है, इवन मॉस के कैरेक्टर है, बट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू मॉस इंस्टेड ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो वैसे वाले सेम इवन लाइक वाटर, किन के रिप्रोडक्शन में वाटर चाहिए, ब्रायोफाइट टेरोफाइट दोनों ही होंगे, ब्रायोफाइट्स हम लोग बुक में दिया हुआ है ब्रायोफाइट के लिए, बट टेरोफाइट को भी वाटर चाहिए होता है फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो ऐसे वाले इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन भी कुछ होंगे कि कहाँ पे हम लोग को इंफोसिस करना है। कोरालॉयड रूट्स प्लांट किंगडम में एक क्वेश्चन आता है, कोरालॉयड रूट्स कहाँ पे रहते हैं, तो कोरालॉयड रूट्स बेसिकली वो साइकस प्लांट के होता है, नॉस्टोगस के साथ एसोसिएशन करता है नेटिव फिक्सेशन के लिए, तो वो लिंक्ड वाले क्वेश्चन भी ऐसे कुछ कनेक्टेड है। तो जो मैं बोल रहा था एक्चुअली यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी में, तो ये वाला है एक्सार्क एंड डार्क सेक्शन, एक्सार्क में प्रोटोजोएम कहाँ पे होगा, मेटाजोएम कहाँ पे होगा, दिस आर द सर्टेन पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन में आएंगे। अगर हम लोग एनाटॉमिकल पहले वाले डिसीजन में आएंगे, मतलब मेरिस्टेम्स एंड ऑल, उसमें कहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होता है, कहाँ पे माइक्रोवेल इंपैक्ट नहीं होगा मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में, और अगर रूट के बारे में हम लोग क्रॉस सेक्शनिंग करेंगे हमेशा रूट के बारे में नीचे से होगा, मतलब रूट कैप देन मैनेजमेंट जोन इलोंगेशन मैचुरेशन देन रूट हेयर्स, लाइक नीचे से ऊपर तक हम लोग सिक्वेंस करेंगे अगर उसको सिक्वेंस करना है। सेम लाइक टिशू में तो बहुत ही कम हो गया, सिर्फ टिश्यूज कहाँ पे क्या पे प्रेजेंट है वो तो डिलीटी हो चुका है, सिर्फ डायरेक्टली फ्रॉग आएगा एंड कॉकरोच आएगा, तो फ्रॉग एंड कॉकरोच में डायरेक्टली उतना कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली परो फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव कंडीशन और रेस्पिरेटरी कंडीशंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉकरोच के अगर हम लोग देखें, कॉकरोच को रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गिजार्ड वाले टॉपिक, हार्ट 13 चैम्बर्स वाले, नेफ्रेटिक कंडीशन से कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्कुलेशन में क्लोज्ड है, तो वैसे वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस बनेंगे, वहाँ से दो क्वेश्चंस या दो से तीन क्वेश्चंस बनेंगे फ्रॉम दैट पार्ट। तो ये इतना में इसमें उनको समराइज करेंगे, और ये यूनिट में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, तो दो पहला और सेकंड यूनिट मिला के ऑलमोस्ट हम लोग का 25 क्वेश्चंस यहाँ पे फिक्सअप होगा, जो हम लोग एक मेजर सेक्शन में जा रहे हैं। तो वही इसी तरह आप लोग बने रहिए थर्ड वीडियो के लिए, जहां पे हम लोग सेल के ऊपर, सेल यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड देयर विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन टू यू टू गेट गुड मार्क्स इन दैट। सो अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का, सो स्टे ट्यून एंड कीप लविंग अस।